यार एक लाजवाब क्वेश्चन, ए क्यूब माइनस ए माइनस बी के होल क्यूब में छुटा हुआ था। मैं चाहता हूँ कि उसको एक बार, छोटा सा मेरा सवाल था, मैं बनाया था उसको, अच्छा सवाल पूछा सकता है, आप उसको एक बार देखें कि वो सवाल कैसे बन सकता है। तो इसलिए मैं चाहता हूँ एक सेपरेट सा ये मुझे बनाना पड़ गया, क्योंकि वो एक मुझे बहुत ही पसंद वाला क्वेश्चन है। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए 0.6 मल्टीप्लाई 0.6 मल्टीप्लाई 0.6 दे दिया था, माइनस कुछ ऐसा दे दिया था 0.4 मल्टीप्लाई 0.4 मल्टीप्लाई 0.4। ये अगर आप गौर से देखें, इस तरह से पूछ लिया था। जैसे सिंपली हम 0.6 का होल क्यूब लिख सकते हैं और ये सिंपली 0.4 का होल क्यूब लिखा जा सकता है, ठीक है। तो ये हम सीधा अगर हम देखें, इसको अगर क्लब करें, इस खास बात इस क्वेश्चन में मैंने एक चीज पाया कि 0.6 माइनस 0.4, इसे आप इस तरह से लिख सकते हैं, ए माइनस बी का होल क्यूब। गौर से देखें, अगर हम इसके पॉइंट को उड़ा दें तो ये 10, यहाँ से भी उड़ा दें 10, तो ये 6/10 बनता है, ये -4/10 बनता है। ये एक मेरा अपना सॉल्यूशन है, पता नहीं ये सही होगा या नहीं, आप एक बार देख लेना यार। दोनों का डिनोमिनेटर तो सेम है, तो इसको हम आइडेंटिटी में क्यों ब्रेक करें? अगर हम सिर्फ इस तरह से कर दें, 4 में दोनों डिनोमिनेटर सेम है, तो 6 में 2 गया, 6 में 4 गया, तो बना 2, और ये क्या बना, 10 बना। अगर हम देखें तो ये क्या बन गया, इसका क्यूब, इसका क्यूब अगर करते हैं तो ये 8, और ये बन जाता क्या, 1000। अगर इसको डिवाइड करते हैं तो क्या बन जाएगा, 3 डिजिट, यहाँ पे 008 यहाँ पॉइंट हो जाएगा, ठीक है। अगर देखें तो 1 2 3, 1 2 3, ये कितना इजी से सॉल्यूशन है। ये मैंने खुद से इसका ये बनाने की कोशिश किया था, शायद से मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई प्रॉब्लम है, अगर ये इस तरह से सवाल पूछे जाते हैं तो। आप एक बार इसको देखो और आप इसे बताओ कि क्या ये जेन्युइन सॉल्यूशन है। ये 6 है यार, ठीक है। इस तरह से हम सॉल्व कर सकते हैं बिना किसी आइडेंटिटी का। बड़ा ही ट्रिकी क्वेश्चन है, थोड़ा बच्चों को लगेगा यार ये क्या किया सकता है, लेकिन इसका एक अच्छा सा सॉल्यूशन है। तो दोस्तों ये ए माइनस बी के होल के ऊपर ये कम्प्लीटली था, ये 2 पार्ट में है, क्योंकि थोड़ा सा पार्ट उस तरफ छूट गया था, इसलिए मैंने एक सेपरेट इसके लिए बनाया था, ठीक है। तो आप ये देख लेना ए माइनस बी के होल क्यूब पे, क्या इसके अलावा कोई और क्वेश्चन रहता है, अगर रहता है तो बताना, फिर उसके बाद हम एक बार फिर से डिस्कस कर लेंगे। अगर कुछ क्वेश्चन है तो आप मुझे मेंशन करना, ठीक है, बताना कमेंट में, उसे हम दोबारा डिस्कस करेंगे इसी टॉपिक पे अच्छे लेवल पे। मैं चाहता हूँ जितना भी प्रॉब्लम आता है उसे आप बताएं, मैं सॉल्यूशन उसे करके दूंगा। थैंक यू सो मच यार, ए माइनस बी के होल स्क्वायर होल क्यूब पे ना इतने सारे ब्रेकडाउंस हुए हैं, आई होप कि बड़ा अच्छा लगा होगा। मजे से पढ़ें, देखें क्या आता है नहीं आता। नेक्स्ट मैं फिर से कुछ ना कुछ चीज़ों पे ब्रेक डाउन करके लेके आऊंगा आपके लिए, तब तक